हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माय फार्मा टिप्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम शुरू में एक्टिबाइल 300 mg टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले। एक्टिबाइल 300 mg टैबलेट का मुख्य उपयोग लीवर से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में किया जाता है। आइए इस टैबलेट के बारे में और अधिक विस्तार से जानते हैं। ये टैबलेट कैसे काम करती है, कहाँ इस्तेमाल होती है, इस टैबलेट के क्या बेनिफिट है, क्या साइड इफेक्ट है, इस टैबलेट से जुड़े सभी सवालों के जवाब आपके शुरू में मिल जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट जरूर देखिए। जाइडस कैडिला हेल्थ केयर कंपनी की ये 10 टैबलेट की स्ट्रिप आपको किसी मेडिकल स्टोर पर 345 रुपए में आसानी से मिल जाएंगी। बात करते हैं इसमें मौजूद कंटेंट के बारे में। एक्टिबाइल 300 mg टैबलेट में यूर सोडे ऑक्सीकोलिक एसिड IP 300 mg यह कंटेंट समझते। इसमें मौजूद यूर सोडे ऑक्सीकोलिक एसिड एक पित्ताम्ल है जो शरीर द्वारा नेचुरली तैयार किया जाता है, जो पित्ताशय में जमा रहता है। यह कोलेस्ट्रॉल के उत्पादन को कम करता है और पित्त में कोलेस्ट्रॉल को घोल देता है ताकि वह पत्थर न बन सके। बात करते हैं इस टैबलेट के यूजेस के बारे में। डॉक्टर इसे किन किन समस्याओं में इस्तेमाल करते हैं। इस टैबलेट का मुख्यतः उपयोग लीवर डिसीज की समस्या दूर करने में किया जाता है। लीवर डिसीज में फैटी लीवर होने की समस्या दूर करने में, गैर अल्कोहल फैटी लीवर डिसीज होने की समस्या दूर करने में, हेपेटाइटिस ए की समस्या, हेपेटाइटिस बी की समस्या दूर करने में, सिरोसिस की समस्या दूर करने में, पीलिया होने की समस्या दूर करने में डॉक्टर यूज करते हैं। डॉक्टर इस टैबलेट का इस्तेमाल लीवर खराब होने की समस्या दूर करने के लिए भी यूज करते हैं। इसे गैलाब्लैडर स्टोन की समस्या दूर करने के लिए भी डॉक्टर यूज करते हैं, जिसे हिंदी में पित्त में पथरी होने की समस्या कहते हैं। इस टैबलेट का उपयोग डॉक्टर लीवर सिरोसिस की समस्या दूर करने के लिए भी यूज करते हैं। लीवर सिरोसिस एक ऐसी स्थिति है जिसमें लीवर में धीरे धीरे खराबी आने लगती है और दीर्घकालीन क्षति के कारण लीवर सामान्य रूप से कार्य नहीं कर पाता है। इस समस्या को दूर करने के लिए भी डॉक्टर इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। इसे इनलार्ज्ड लीवर की समस्या दूर करने के लिए भी डॉक्टर यूज करते हैं। इसे हिंदी में लीवर बढ़ने की समस्या भी कहते हैं। इस स्थिति में लीवर का आकार सामान्य से ज़्यादा बड़ा हो जाता है। इसे चिकित्सित भाषा में हिपेटोमेगली भी कहते हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए भी डॉक्टर इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। बात करते हैं इस टैबलेट के डोसेस के बारे में। आप अपनी समस्या बताकर इस टैबलेट का डोस अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से पूछ लें। याद रखें दोस्तों, इस टैबलेट का डोस आपकी समस्या पर निर्धारित रहता है। यदि आपकी समस्या ज़्यादा हो तो इस टैबलेट का डोस भी ज़्यादा होगा, यदि आपकी समस्या कम हो तो इस टैबलेट का डोस भी कम होगा। यह टैबलेट 150 mg, 300 mg और 600 mg की क्षमता में भी आती है। जैसे आपकी बीमारी की स्थिति हो वैसे डॉक्टर इस टैबलेट का डोज आपको निर्धारित करते हैं, इसलिए इसे हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह से इस्तेमाल कीजिए। साइड इफेक्ट इस टैबलेट के इस्तेमाल से होने वाले दुष्परिणाम। यदि आपको इस टैबलेट में मौजूद कंटेंट से एलर्जी है तो आपको बता के कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। यदि आपको बता के कुछ साइड इफेक्ट महसूस हो तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। इस टैबलेट के इस्तेमाल से आपके बालों का झड़ना, पेट दर्द, अपचन, मितली, उल्टी, थकान, सिर दर्द ये कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। प्रिकॉशन, उस टैबलेट को यूज करते समय सावधानियाँ। अगर आपको उस टैबलेट के इस्तेमाल से कोई साइड इफेक्ट होता है या फिर आपको उस टैबलेट में मौजूद कंटेंट एलर्जी, तो आप इस टैबलेट का यूज ना करें। अगर आप पहले से कोई अन्य टैबलेट मेडिसिन ले रहे हो तो उसकी सूचना अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट को अवश्य दें। इस वजह से इस टैबलेट का ड्रग इंट्रैक्शन या ओवरडोज होने की संभावना कम होती है। अगर आपको लीवर या फिर किडनी से जुड़ी कोई समस्या हो तो इस टैबलेट का इस्तेमाल अपने डॉक्टर के सलाह के अनुसार ही करें। गर्भवती महिलाएं ये टैबलेट यूज करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। उस टैबलेट के इस्तेमाल के पहले या इस्तेमाल के बाद अल्कोहल का प्रयोग न करें, इससे आपकी स्थिति बिगड़ सकती है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और माय फार्मा टिप्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको हमेशा मेडिसिन दोस्त मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।